रहे हैं यमुना घाट जो कि कश्मीरी गेट के पास है, 30,000 के यहाँ वासुदेव घाट है। यहाँ पे बहुत अच्छी आरती होती है, संध्या आरती शाम को 7 बजे। आज वो हम आपको दिखाएंगे बहुत अच्छी आरती, जैसे हरिद्वार में होती है हल्की पौड़ी पे, वैसे यहाँ पे भी स्टार्ट हुई है वासुदेव घाट। बहुत अच्छा घाट है, आइए। गाइस, जैसे कि आप अपने व्हीकल से आए, जैसे कार या टू व्हीलर से, तो अपनी बाइक और कार को यहाँ लगा सकते हैं। ये मॉनेस्ट्री मार्केट से पहले पड़ती है, मात्र 30 रुपये किराया है, आराम से आप लगा सकते हैं और आरती में जा सकते हैं। यमुना घाट में ये हम यमुना जी की आरती लेने अभी पहुँच गए हैं। शाम को 7 बजे आरती चालू होती है यमुना घाट पे। ये वासुदेव घाट है, नियर बाय मेट्रो स्टेशन है कश्मीरी गेट नियर बाय मेट्रो स्टेशन है। ये मोनास्ट्री मार्केट से पहले अपनी पार्किंग पड़ती है, यहाँ पे आप आके आराम से अपनी गाड़ी या बाइक लगा सकते हो। आधा घंटा लगा। वासुदेव घाट जा रहे हैं भाई, बताएंगे अब आपको। अब हम यमुना जी की आरती होती है यहाँ पे वासुदेव घाट पे, और पार्क भी है यहाँ पे, आप नेचर का आनंद ले सकते हैं यमुना जी के साथ में। चलो गाइस, आगे आप आपको दिखाते हैं मोनास्ट्री मार्केट। यहाँ पे कपड़े वगैरह, कपड़े बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं बॉयज़ के, शर्ट्स वगैरह। ये यमुना घाट के बस आगे मार्केट है, आप देख सकते हैं। अच्छा, घाट यहाँ पे संध्या आरती शाम को 7 बजे होगी वासुदेव घाट की। ये जाते हुए हम लोग वासुदेव घाट यमुना जी की आरती लेने नवरात्रों में। बहुत अच्छी आरती होती है, अगर आप हरिद्वार नहीं जा सकते तो यहाँ पे आके भी शाम को आरती ले सकते हैं। ये है गाइस वो यमुना घाट जहाँ से आरती प्रारंभ होती है। अभी सेटअप कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं सारा यहीं से। यमुना घाट पे, वासुदेव घाट पे यमुना जी की हालत तो बहुत बुरी हो रखी है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दिया है। पहले इसको सफाई की ज़रूरत है नदी को, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। 7 बजे कहते हैं आरती होगी, इधर ही आरती जस्ट हमारे पीछे ही ये सब सेटअप हो रहा है यहाँ पे, इधर ही आरती कहते हैं होती है। अभी आरती होगी, देखते हैं शायद कैसे हो, क्राउड तो है यहाँ पे। पार्क पीछे का अच्छा है भाई, यमुना जी जो मैं देखने आया था वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रखी है। प्रिपरेशन होती हुई आरती के लिए, अभी यहाँ पर आरती होगी। हाँ, से प्रॉपर आरती होगी, आप देख सकते हैं सामने हमारी यमुना जी, और यहीं से अभी आरती के सेटअप करते हुए सारे स्पीकर टेबल्स वगैरह लगाते हुए ऊपर। गाइस हम वहाँ से अब यहाँ पे आगे आए हैं, थोड़ा देखने आ गए कि आगे पानी साफ है कि नहीं है। कैमरामैन सुशील शर्मा के साथ तरुण घई एंड हर्षवर्धन। आज तक नहीं, तरुण घई ब्लॉग्स सही बात है। चलो जय जय बजरंगबली। शुक्र गाइस, ये गाइस हम बने रही आज तक पे। गाइस ये हम यमुना जी देख सकते हैं, ये नाला नहीं है यमुना जी है, पर ये देख सकते हैं नाले से भी बुरे हाल है इससे। हम क्या काला पूरा पानी हो रखा है, कितनी स्मेल आ रही है, इतना बुरा हाल है ये यमुना जी का। और ये जस्ट सामने आप देख रहे हो यहाँ पे आरती अभी चालू होगी 7 बजे। बहुत दिक्कत में दिख रही है आपको यमुना जी, प्लीज़ आवाज़ उठाओ, यहाँ तक जा सकती है जाए आवाज़, हम आवाज़ उठाएंगे, इस यमुना जी को हम साफ़ कराएंगे, हम भी साफ कर लेते हैं। चलो एक बंदा तो मिल गया साफ़ करने वाला यमुना जी को, बाकी एक ये भाई और आए हैं इनसे भी अपील करेंगे, बाकी जो ये सफाई करेंगे मैं इनको हेल्प करूंगा उसमें। सो प्लीज़ आवाज़ उठाओ, यमुना जी को साफ कराओ। टाइप की मशीन लगा रखी है पानी साफ़ करने के लिए, पता नहीं किसके लिए। साफ़ तो इधर कुछ हो नहीं रहा, और इधर गंदगी पड़ी हुई है। अंदर की सफाई के लिए ये मशीन, एक मशीन से क्या होगा अंदर, पोल्यूशन है, डर तो नला रहे हैं कौन आ रहा साफ पानी। ये बात है भैया, साफ विचार साफ है, मेरे को तो 100% डाउट है। UPSC क्लियर करना शायद इससे ज़्यादा आसान है, एक मशीन से यमुना साफ़ करना है ये पूरी।
ये भैया आप अकेले ही करते हो साफ है? अकेले कर रहे हो? नहीं छुट्टी होगी ना, इसमें तो गंदा बाहर ही आ रहा। पर तो पानी गंदा तो बाहर ही निकाल रहे हो ना आप तो गंदगी साफ दिखाई दे रही है। हाथ से दिख रही है ना वो देख, साफ दिख रही है दूर से, पास आने में रियलिटी पता चल रही है। वो गंद फेंक रहे हैं, भगवान जाने क्या होगा। गाइस इसी गंदे पानी में लोग पूजा कर रहे हैं, अपना जो भी उनका अनुष्ठान है वो कर रहे हैं, और यही नाले का पानी आप देख सकते हैं कितना काला है, और यही लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। गाइस ये देखो ये बोट्स वगैरह भी खड़ी हुई है, और ये बोट्स गंगा जी में यमुना जी में चलाएंगे या नाले में चलाएंगे तो यही नहीं समझ आ रहा। ये बोट देखो सामने सामने देखा कचरा फैला हुआ है, यहीं पर लोग अपना वो पूरे पूजा पाठ करते हैं जो उनका है, और इसी यमुना जी में आप देख सकते हैं लोग अपने पूजा पाठ के सामान ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं। ये मेट्रो जा रही ऊपर, देख सकते हैं लोग, यहाँ से आरती होगी यमुना जी की। ये पार्क साफ सुथरा है, अच्छा यमुना जी की आकृति पार्क है, बहुत अच्छा पार्क है। घाट से आप इस तरफ आके देखो तो ये चीज़ तो सही है, पर यमुना जी थोड़ी पोल्यूटेड है, थोड़ी नहीं बहुत पोल्यूटेड है। आरती होने वाली है थोड़ी देर में, ये चंद्रमा अवदन्तारा सोपानम।
दीपक प्रज्वलिता जटा कभी घल ज्वल प्रवाह पाविगले जले बलम बलम मिल भुजंग तुंग मालिग नमट 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 नम निनान वरण मरवय सकार दंड तांडव तनो तु ना सदा शिव जटा कटाह संभ्रम भ्रमन निरिंब निर्जरि विलोल वीच्य वल्लले विराजमान मूर्धरि जगत् 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 ज्वल ललाट पट्ट पावकि किशोर चंद्र शेखर प्रति प्रतीक्षण मम मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा रोगै पीडितं कर्म बंधनै वाराणसी परिवार जनों के साथ शाम को संध्या आरती होती है, शाम को 7 बजे इवनिंग के टाइम होती है, संध्या आरती होती है। आप अपने फैमिली के साथ जरूर आइए और माता यमुना की यहाँ आरती है उसमें दर्शन करिए, दर्शन करिए और आशीर्वाद दीजिए। ऐसी गाइस सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए तरुण ब्लॉग्स चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, जय श्री राम।